हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो यार, आज की वीडियो मैं बनाऊंगा कमेंट पढ़कर, जो कि कल मैंने वीडियो दे दी है सप्लीमेंट के ऊपर। आशा है कि आप सबने देखी होगी। तो उस पर जो कमेंट आए हैं ना, उनमें जो सबसे अच्छा कमेंट और वैसा कमेंट लगेगा कि हाँ, मुझे कि इन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो कमेंट मैं आपको बताता हूँ। तो मैं चालू करता हूँ भाई कल की वीडियो पे। हमारा मयंक भाई का कमेंट है, भाई एक वीडियो बनाओ 1600 मीटर के ऊपर, एक राउंड कितने में मारे, दो कितने में, तीन कितने में, और लास्ट चौथा राउंड कितने में। ये सबसे अच्छा कमेंट लगा भाई, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, आप प्रोफेशनल रनिंग के ट्रैक पर तो भगोगे नहीं। जब 50 जने भगेंगे तो 400-500 बंदों के बीच में भगोगे। तो इसमें क्या है, आपको कैसे भगना। आप जब हम प्रोफेशनल जगह भगते हैं तो उसमें कम से कम हम स्टार्टिंग रखते हैं 100 मीटर सबसे तेज़, जिससे कि हम भीड़ में ना फंसें और सबसे आगे निकल के अपनी एक पेस पकड़ लें। तो ये भाई को मैं बताता हूँ कि 1600 मीटर आप पहला राउंड कुछ इस तरीके से भगें कि आपने पहले 200 मीटर तेज़ रखनी है। तेज़ इस तरीके से रखने की स्टार्टिंग आप पहले 10 से 15 लोगों के बीच में रहो। 10 से 15 लोगों के बीच में रहोगे, क्या होगा कि आप भीड़ में नहीं फंसोगे और आपको अपनी रेस निकालने में आसानी होगी एंड तक। तो जब आप 200 मीटर स्टार्टिंग अच्छी रखोगे, उसके बाद क्या करना आपको, आप 10 से 15 लोगों के बीच में फंस गए हो कि आपका 10वें 15 नंबर पर आपने स्टार्टिंग ले लिया है, क्योंकि पहले पर लेना आसान नहीं है 400-500 में, तो 10 से 15 में लो आराम से। तो उसके बाद क्या, 200 मीटर के बाद आपको अपनी पेस पकड़नी है। पेस किस तरीके से पकड़नी है, आपने जैसे कि पहला राउंड एक 5 का लगा दिया 1600 मीटर में अपने कंपटीशन में। जब आपका पहला राउंड हो गया एक 5 का, तो आपको एक पेस पकड़ लेनी है। दूसरा राउंड आपको एक 10 का रखना है, ठीक है, वो एक 5 का नहीं रखना, एक 10 का, एक 10 का। पहला राउंड एक 5 का हो गया, दूसरा राउंड आपका एक 10 का हो गया। पेस में जो आपसे आगे निकल रहा है, तेज़ निकल रहा है, उसे निकलन दो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे पकड़ने की या कुछ। आप लोगों को सबसे पहले दिमाग में रखना है कि हमें अपनी कैपेसिटी से भगना है, ठीक है, किसी की हमें बहस में नहीं भगना। कि बहुत सोचते हैं कि अरे ये साइड में से निकल गया, कैसे निकल गया, मैं पीछे हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपनी पेस में भगना है। पहला हो गया, दूसरा राउंड आपने एक 10 का रखा अपनी पेस में, क्या उसमें जो बंदे आगे निकल रहे हैं वो टाइट होंगे जल्दी जल्दी में, फिर वो खुद ही पीछे आने लग जाएंगे आपको। दूसरा राउंड भी, तीसरा राउंड सॉरी, एक 10 का ही रखना है। चौथा राउंड कैसे रखना है, आपने जो पहला राउंड की स्टार्टिंग लेती है ना, तो हमें उसी हिसाब से जो है अपनी फिनिशिंग भी करनी चाहिए। आपने एक 5 का लिया, तो एक 5 का आप कोशिश करो, ऐसी बेस बनाओ कि आपको एक 5 का ही राउंड आए, अपना आखिरी का भी एक 5 का राउंड आएगा। उससे क्या होगा, हमारा एक 5 2 10 की हमारी क्या हो गई, 800 हो गई है, 2 मिनट बना के, और अपना एक 10 एक 10, तो 4:40 की हमारी 1600 मीटर पक्की आएगी। तो हम इस तरीके से भगेंगे। अब आप भाई भगोगे कि एकदम भगना है, तेज़ भगना है कि कोई आगे ना निकले, तो एक 4:40 भी ना आए तो क्या पता 5:20 भी ना आ पाए टाइमिंग। तो भगना कुछ इस तरीके से है। तो हम दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारे इंडिया में मैं मिथ लगा रखी है एक, कि मुंह बंद करके भगना चाहिए। तो भाई का है, भाई मुंह बंद करके भगना चाहिए, ओपन करके भगना चाहिए। मिस्टर इंडिया नाम से भाई का नाम है। तो भाई हमें मुंह खोल के भगना चाहिए, क्यों, आप कितने भी इंटरनेशनल एथलीट देखोगे या ओलंपिक मेडलिस्ट देखोगे, तो आप किसी की वीडियो देखो तो ये देखा करो यार कि वो मुंह कैसे भग रहा है, कैसे पैर से भग रहा है, वो मुंह खोल के ही भगेगा। क्योंकि जब हम भगते हैं ना यार, हमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा चाहिए होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा चाहिए होगा। और जब हम मुंह बंद करके भगेंगे, हमारी बॉडी का कहाँ से स्टेमिना अच्छा बनेगा, कहाँ से हमारा ऑक्सीजन लेवल मिलेगा हमारी बॉडी को, कहाँ से हम तेज़ भगेंगे। जब ऑक्सीजन लेवल बॉडी को अच्छा नहीं मिलेगा, तो हमारी बॉडी टाइट अब ऑटोमेटिकली होगी। तो मुंह खोल के भग रहो, तो हमको सांस नाक मुंह दोनों से लेनी चाहिए। ये कोई नहीं है कि मुंह बंद करके भगो, जब भी तेज़ भगा जाएगा सांस ज़्यादा फूलेगी, ये सब यहाँ से है। आपने जो यहाँ से सोचा है ना, तो यार वही होगा। अगर आपने सोचा कि यार मुंह बंद करके भगो ज़्यादा सांस नहीं फूलेगी, तो वही होगा। आपने मुंह खोल कर भगोगे, यहाँ से सोचोगे सांस फूलेगी, तो वो फूलेगी। ये चीज़ भी आपको इसके साथ साथ मजबूत करनी है, दिमाग, ठीक है। और भाई अगली वीडियो भी मैं बनाऊंगा, आप ऐसे कमेंट करते रहो।
तो ये ज़्यादातर यही कमेंट हैं कि सांस कैसे लेनी चाहिए, वर्कआउट की है, वर्कआउट का भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाओ, क्योंकि क्या होगा इससे यार, मैं अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और हमारे जो यूथ है वो आगे निकलेगा, ठीक है। जिनके सपने होते हैं, जिनके घर के सपने होते हैं, यार किसी को भर्ती होना, किसी को अच्छा कंपटीशन खेलना है। हमारे इंडिया में बहुत सी जगह ये है यार कि कोच नहीं है, ग्राउंड नहीं है, रोड पर भगना है, यहाँ भगना है। उन बच्चों का भी मन करता कि हम आगे निकले, पर उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि जिससे वो अच्छा करें। क्योंकि यार देखो, यूट्यूब हमारी एक ऐसी फील्ड बन चुकी है कि हम यहाँ से सीख सीख के कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बताता रहूँगा यार, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट छोड़ देना। अगली वीडियो आपके कमेंट के ऊपर ही बनेगी जैसे कि है, और कोई कमेंट इतना खास मुझे मिला नहीं है। तो जय हिंद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाओ, ठीक है भाई।